हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, यानी कि जीन के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं और इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में आज देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है और जीन शब्द की, अगर हम जीन की बात करें तो जो जीन शब्द है जॉनसन ने सबसे पहले यूज किया था, यानी टर्म दिया था, और उसके पहले मेंडल ने यूज किया था। लेकिन मेंडल ने जीन शब्द न यूज करके उन्होंने फैक्टर शब्द यूज किया था, यानी कि मेंडल, जब मेंडल्स लॉ दिया गया तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई ना कोई फैक्टर है जो एक किसी भी कैरेक्टर्स को गवर्न करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने का कार्य करता है। लेकिन इसको क्लियरिफाई नहीं कर पाए, इसको समझा नहीं पाए कि फैक्टर क्या है, कौन सा फैक्टर है जो लक्षणों को गवर्न कर रहा है और एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाने का कार्य कर रहा है, यानी कि इनहेरिटेंस का कार्य कर रहा है। नहीं, इनहेरिटेंस किस फैक्टर के कारण हो रहा है वो फैक्टर इन्होंने समझा नहीं पाया था, तो इनको उसके बारे में ज्ञान नहीं था, तो इसलिए इन्होंने फैक्टर शब्द यूज किया था। मॉर्गन, उसके बाद जो वर्क हुआ था, मॉर्गन ने वर्क किया और उन्होंने बताया कि जो जीन होता है एक्चुअल में है क्या, कि शॉर्ट ऑफ सेगमेंट है, यानी शॉर्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि ये क्रोमोसोम का एक छोटा सा भाग है, यानी कि स्मॉलेस्ट भाग होता है या छोटा सा भाग होता है, विच कैन बी सेपरेटेड, यानी ये कर कह सकता है विच कैन बी सेपरेट थ्रू क्रॉसिंग ओवर, एक क्रॉसिंग ओवर के थ्रू सेपरेट हो सकता है, इसमें म्यूटेशन हो सकता है और यह किसी भी लक्षण को गवन भी कर सकता है, उसके एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस यानी बढ़ा घटा सकता है, और एक लक्षण को भी गवन कर सकता है, एक से अधिक लक्षणों को भी गवन कर सकता है। यानी मॉर्गन ने अपने वर्क से सजेस्ट किया और बताया। प्रेजेंट में, आज प्रेजेंट टाइम में जो धारणा है जीन के लेकर के, तो जीन इज ए डिफाइन, अगर जीन को डिफाइन किया जाए प्रेजेंट टाइम में, जीन को जो डिफाइन किया जाता है, तो ए जीन इज ए डिफाइन एज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। यानी जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, कंपोज ऑफ ए सेगमेंट डीएन, सेगमेंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम, यानी कि डीएनए या क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है सिचुएटेड एट ए स्पेसिफिक लोकस, जो कि एक स्पेसिफिक लोकस पे सिचुएटेड होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक, ये सेल है और बीच में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा या क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो सेल के अंदर क्या होगा, क्रोमो, ये सेल है पूरा और अंदर सेंटर में गोला से जो भाग है क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जो ब्लू वाला पार्ट है, मान लीजिए क्रोमोसोम है, और इसी क्रोमोसोम पे क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, यानी कि इसी क्रोमोसोम पे क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो क्रोमोस यानी कि जीन और डीएनए के ही पार्ट, यानी कि मान लीजिए एक डीएनए है और इस डीएनए में कुछ पार्ट जो हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक किसी कैरेक्टर से या कोई लक्षण बना रहा है, तो यहाँ से यानी डीएनए का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यानी जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये क्या है, एक तरह इसी को हम क्या कह सकते हैं, जीन। तो जीन क्या है, डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए से ही क्या बना है, क्रोमोसोम बना है, यानी कि डीएनए किसका पार्ट है, क्रोमोसोम का पार्ट है। इसलिए जीन को हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम में ही डीएनए पाया जा रहा है और डीएनए के ही कुछ से पार्ट्स को हम जीन कहते हैं, जो अलग अलग जो पार्ट फंक्शन करता है, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को बनाता है या प्रोटीन्स को बनाता है, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री की अगर बात करें जीन के लेकर के, अलग अलग यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मत रहा है। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि यूनिट फैक्टर दैट कंट्रोल्स स्पेसिफिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स, यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि जो यूनिट ऑफ फैक्टर, यानी कि इन्होंने शब्द यूज किया था फैक्टर दैट कंट्रोल्स स्पेसिफिक फिनोटाइप ट्रेट्स, यानी कि यह कंट्रोल करता है स्पेसिफिक फिनोटाइप्स को। फिर उसके बाद 1902 में ए ई गैरॉड ने वन जीन वन मेटाबोलिक ब्लॉक थ्योरी दिया था, यानी कि वन जीन वन मेटाबोलिक पैथवे बताया था, यानी इनको फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, गैरॉड को फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इन्होंने बताया था कि जितने भी जीन होते हैं वो किसी न किसी पैथवे, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स या मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, यानी कि एक जीन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद बीडल एंड टाटन, यानी कि 1940 में बीडल और टाटन ने बताया कि वन जीन वन एंजाइम, यानी इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो जीन होते हैं वो एक एंजाइम का निर्माण करते हैं और वो एंजाइम जो होते हैं किसी न किसी कैरेक्टर्स को बनाने का कार्य करते हैं। फिर इसी वन जीन वन एंजाइम जो थ्योरी थी, क्योंकि इस थ्योरी में थोड़ी से जो इरर था और उस इरर को सुधार कौन किया, इनग्राम ने किया, और इनग्राम ने सुधार करके बताया कि जो वन जीन वन एंजाइम है वो सही नहीं है, बल्कि वन जीन वन पेप्टाइड्स होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वन जीन, ये जरूरी नहीं है कि एक जीन एक ही एंजाइम को बनाए,
या एक एंजाइम एक ही जीन से बने, ठीक है, तो एक एंजाइम कई जीनों के द्वारा भी बन सकता है, ठीक है, एक एंजाइम मान लीजिए कई जीन के द्वारा बन रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि वन जीन वन एंजाइम, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं एक प्रोटीनिस प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी ऑल एंजाइम्स को हम प्रोटीन कह सकते हैं लेकिन ऑल प्रोटीन्स को हम एंजाइम नहीं कह सकते हैं, तो जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन के नेचर के, और जो प्रोटीन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं, और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग जीन के द्वारा बनता है, मान लीजिए एक प्रोटीन है दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बन रहा है, तो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगा वो अलग अलग जीन के द्वारा गवर्न होगा, यानी कि एक एंजाइम बनाने के लिए एक जीन अथवा दो या दो से अधिक जीन यूज हो सकते हैं, और जो जीन यूज होंगे वो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, यानी कि यहाँ पे जो थ्योरी दिया इनग्राम ने ये थ्योरी सही थी, क्यों, क्योंकि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा था, जबकि बीडल टॉटन ने बताया था कि वन जीन वन एंजाइम, यानी कि एक जीन वन एक एंजाइम को निर्माण करता है, ये सही नहीं था, क्योंकि एक एंजाइम जो है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेनों से बनता है, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अलग जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो अलग अलग जीन के द्वारा गवर्न होते हैं। 1960 में सी यानोफ्स्काई की अगर हम बात करें तो यानोफ्स्काई जो है जीन इज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इन्होंने बताया कि जो जीन है ये यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, तो जीन क्या है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। उसके बाद बेंजन ने भी इस चीज़ को बताया कि जीन जो होता है वो क्या है, यूनिट ऑफ, यानी बेंजन ने इसको और क्लियरिफाई किया था, यानी कि यानोफ्स्काई ने सिर्फ बताया कि रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग पढ़े हैं मियोसिस सेल डिवीजन में, जब पैचिटिन स्टेज आता है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकॉम्बिनेशन होता है। अभी आगे देखते हैं इसको। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन, यानी कि किसी भी जीन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो जीन के अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, तो जीन के अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। जब हम लोग पढ़े हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन जब होता है तो इंटरफेज होता है, और इंटरफेज में क्या होगा, एस फेज होता है, तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेशन का क्षमता होना चाहिए, यानी कि जब हम मियोसिस सेल डिवीजन में ही यानी कि प्रोफेज के पैचिटिन अवस्था में देखते हैं तो पैचिटिन अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, नए रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है कि जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसमें एक दूसरा लेते हैं, मान लीजिए दो क्रोमोसोम है, इसका ब्लैक वाला टूट करके रेड पे और रेड वाला टूट करके ब्लैक पे कुछ पार्ट आ जाते हैं, यानी कि कुछ पार्टों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी कि रेड वाला पार्ट कुछ टूट करके ब्लैक पे चला जाएगा, ब्लैक वाला कुछ पार्ट टूट करके रेड पे आ जाता है, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, नए रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जब दो क्रोमोसोम हैं, इस तरह फिर से देख लीजिए, एक रेड कलर से बनाया गया एक वाइट कलर से, इनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जो ब्लैक वाला पार्ट है उस पर कुछ रेड पार्ट आ के जुड़ जाएगा, और जो रेड वाला पार्ट होगा उस पर कुछ आ करके ब्लैक वाला सेगमेंट्स जुड़ जाते हैं, इस तरह से सेगमेंटों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो इस पर उतना बेहतर फिगर नहीं बन रहा है, तो ये क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, ठीक है, यानी क्रॉसिंग ओवर से नए रिकॉम्बिनेंट। जीन का तीसरा फीचर्स क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होता है, यानी कि जीन जो होगा उस जीन में कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिस पे म्यूटेशन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शन, यानी कि जो जीन होगा उसके अंदर उसकी कुछ ना कुछ एक फिक्स संरचना होगी, और जो फिक्स संरचना होगी वो करेगा क्या, जैसे मान लीजिए डीएनए है और डीएनए का एक फिक्स संरचना है, और वो फिक्स संरचना जो है किसी न किसी चीज़ को रेगुलेट करेगा, यानी कोई न कोई एंजाइम या प्रोटीन बनाएगा, और वो एंजाइम प्रोटीन कहीं कहीं मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिलेटेड होगा, यानी जो बॉडी का मोटिव मेटाबॉलिज्म है वो कहीं कहीं रेगुलेट मेटाबॉलिज्म जो होता है वो रेगुलेट होता है किससे, जीन के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक जीन किसी न किसी प्रोटीन या एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, और जो भी जीन एंजाइम्स या प्रोटीन का निर्माण करते हैं उनका संबंध किस पूरे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया से होता है, यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो होती है दो तरह की होती है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, अगर कोई चीज़ बॉडी में बन रहा है तो होगा एनाबॉलिक, और कुछ अगर किसी चीज़ का विखंडन हो रहा है तो कैटाबॉलिक, दोनों को मिला करके हम मेटाबॉलिक शब्द यूज करते हैं। डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन, यानी किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना, यानी कि किसी चीज़ को बनाना, और उसमें डिफ्रेंसिएशन जो आता है वो किसके कारण से आएगा, जीन के कारण से आएगा।
देखिए फाइन स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बेंजन ने दिया है, ठीक है। और या कहें फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ जीन्स की अगर हम बात करें तो वो बेंजन ने बताया है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन की बात करें तो किसने दिया है? बेंजन ने दिया है। और इन्होंने बेंजन ने इसमें ये बताया कि क्वाइन द डिफरेंट टर्म, यानी कि इसको इन्होंने तीन भागों में बांट दिया। जो डीएनए है, डीएनए का जो फंक्शन है, मान लीजिए एक डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ पे एक कुछ पार्ट जो है जीन की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि ये कुछ न कुछ चीज़ बना रहे हैं। लेकिन इसी पार्ट में तीन भाग होंगे, इसी पार्ट के तीन भाग होंगे। एक भाग होगा सिस्ट्रॉन कहलाएगा, एक भाग रिकॉन कहलाएगा, और तीसरा वाला भाग जो होगा वो आपका म्यूटॉन कहलाएगा। यानी एक जीन होगा और एक जीन के तीन पार्ट होंगे, एक जीन के तीन पार्ट होंगे और तीनों के अलग अलग कार्य होंगे। यानी कि डीएनए का एक सेगमेंट है जो किसी न किसी कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है या बना रहा है, उसी सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं। लेकिन उस सेगमेंट्स में तीन अलग अलग पार्ट्स होंगे। अब तीनों पार्ट्स में अलग अलग घटनाएं घटेंगी। जैसे जो पार्ट सिस्ट्रॉन वाला होगा, ठीक है, सिस्ट्रॉन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ फंक्शन, यानी यूनिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। क्योंकि जो मान लीजिए डीएनए का सेगमेंट है और यहाँ पे एक बेस एयूजी पाया जा रहा है और ये किसी न किसी एमिनो एसिड को बना रहा है या प्रोटीन को बना रहा है। यह प्रोटीन जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर्स है या जो भी फंक्शंस है उसको नियंत्रित कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन या किसी एक कैरेक्टर को नियंत्रित कर रहा है। तो जो पार्ट यानी कि डीएनए का वह पार्ट जो इस एमिनो एसिड को बनाने में का कार्य कर रहा है और जिससे हमारी बॉडी का कोई ना कोई कैरेक्टर या फंक्शन गवर्न हो रहा है, उसे हम सिस्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन इसी जीन का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो रिकॉम्बिनेशन का काम करेगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो हम पढ़े हैं मियोसिस सेल डिवीजन में पैचिटिन अवस्था में कि सेगमेंटों का आदान प्रदान होता है, यानी कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनका आपस में सेगमेंटों का आदान प्रदान होगा। और इसी में कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो म्यूटेबल टाइप, यानी कि ऐसी साइट्स होगी जहाँ पर म्यूटेशन होगा। यानी कि जो टी जीन होता है, जीन के तीन साइट्स होते हैं, तीन साइट्स में से एक साइट्स में तो नॉर्मली फंक्शन होता है, यानी कि जो भी हमारे लिए आवश्यक एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, वो सारी चीज़ें बनती हैं जिसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। उसी जीन में कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जो रिकॉन कहलाता है, यानी कि वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर की जो घटना हम लोग पढ़े मियोसिस सेल डिवीजन में पैचिटिन अवस्था में वो होता है। और एक पार्ट ऐसा होता है जो म्यूटेबल टाइप का साइट होता है जहाँ पर म्यूटेशन की घटना घटती है। अब पढ़ लेते हैं, देखते हैं सिस्ट्रॉन क्या है। सिस्ट्रॉन को यूनिट ऑफ फंक्शन कहा जाता है। द पार्ट ऑफ डीएनए स्पेसिफाइंग ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन टर्म एज द सिस्ट्रॉन। ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन है और जिसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि ध्यान रखना पार्ट ऑफ डीएनए है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन इस टर्म ऑफ सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन कैन बी हैव, यानी जो सिस्ट्रॉन होता है वो 100 न्यूक्लियोटाइड से लेकर के 30,000 न्यूक्लियोटाइड के लेंथ का हो सकता है। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जो चेन बनता है, वो चेन जो होगी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेगी, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जो बना हुआ चेन है, वो जो होगा वो 100 से लेकर के 3,000, यानी कि 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स की हो सकती है, ठीक है। अगली बात, इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एज ए ट्रांसमिशन। यानी जो सिस्ट्रॉन होता है इसी का यही क्या करता है, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट करने का कार्य भी करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम सिस्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, जीन कह सकते हैं। यानी जो हमारा सिस्ट्रॉन है इसी सिस्ट्रॉन को जीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही स्पेसिफाइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि ये पार्ट ऑफ डीएनए भी है, ये जो यूनिट ऑफ फंक्शन, यानी जो हमारे लिए बॉडी में जो फंक्शनल प्रोटीन या एंजाइम चाहिए होता है वो बनाने का कार्य भी करता है, और यही किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाने का कार्य करता है। तो जो जीन की डिफिनीशन है या जीन जो जीन के बारे में पढ़ते हैं वो सारा फीचर्स कहाँ पे है, सिस्ट्रॉन है, इसलिए हम सिस्ट्रॉन को जीन कह सकते हैं। अब डीएनए का जो दूसरा सेगमेंट्स है या जीन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी डीएनए का एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऐसा है, यानी कि जो मान लीजिए एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो डीएनए के मॉलिक्यूल में यानी कि मोस्टली भाग किसका होगा, सिस्ट्रॉन का होगा। एक छोटा सा भाग जो होगा वो रिकॉन का होगा और म्यूटॉन का होगा। तो रिकॉन का होगा और एक म्यूटॉन, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट में है, ठीक है। एक एक ऐसे रैंडम फिगर बनाया गया है।
तो रिकॉन क्या है? रिकॉम्बिनेशन है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कैपेबल बीइंग द सेपरेट एंड एक्सचेंज विथ अदर क्रोमोसोम, यानी कि ये सेपरेट हो सकते हैं और एक्सचेंज हो सकते हैं अदर क्रोमोसोम से, इसको हम रिकॉन कहते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉन कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन टू पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट नहीं करते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेशन का मतलब अभी फिगर में बताया गया था, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक दूसरा क्रोमोसोम है। अब इसमें के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये दोनों क्रोमैटिड जो होते हैं, ये कहलाता है सिस्टर क्रोमैटिड और ये दोनों कहलाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, सेगमेंटों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए ये, ठीक है, एक सेगमेंट है। तो अब इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे ब्लैक है इसके कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे, रेड वाला आ जाएगा, यहाँ पे भी रेड वाला आ जाएगा और रेड वाले कुछ पार्ट ब्लैक के आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये हो गया कि यह नॉर्मली कुछ और कार्य करता है, यह नॉर्मली कुछ और कार्य करता है, यानी किसी नए चीज़ दूसरी चीज़ को बना रहा होता है, लेकिन जब इनके सेगमेंट्स आपस में बदल जाते हैं तो फिर ये कुछ नए कैरेक्टर्स को या नए फिनोटाइप बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जीन इसके पास आ गया और ब्लैक वाले का जीन रेड के पास आ गया। जब जीन बदल गए तो फिर कार्य भी बदल जाएगा, तो इसी को जब कार्य बदल जाएगा यानी कुछ नया कार्य होगा तो रिकॉम्बिनेंट कहा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से म्यूटेशन की अगर बात करें तो जो म्यूटान होता है, यानी कि जीन डीएनए का ही पार्ट है म्यूटान, और म्यूटान में क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच व्हेन चेंज आर म्यूटेट प्रोड्यूस द फिनोटाइप ट्रेट्स, यानी म्यूटेशन डिक्लाइन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जो म्यूटान होता है, यानी कि डीएनए के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं या कुछ सेगमेंट या साइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ म्यूटेशन होता है, तो ऐसे डीएनए के पार्ट्स या सेगमेंट्स या जीन के ऐसे पार्ट्स या सेगमेंट्स जहाँ पे क्या हो, म्यूटेशन हो, तो उसी को हम कहते हैं म्यूटान। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो बेंजन ने दिया है, और बेंजन ने बताया कि जो जीन होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, या जीन या डीएनए, ठीक है, डीएनए को ही हम जीन कहते हैं, या डीएनए के छोटे से सेगमेंट्स को हम जीन कहते हैं, तो इसलिए हम डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए या जीन जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक सिस्ट्रॉन होता है, दूसरा रिकॉन होता है, तीसरा म्यूटॉन होता है। सिस्ट्रॉन जो होता है यूनिट ऑफ फंक्शन होता है, यानी किसी भी फंक्शन को गवर्न करता है, यानी कैरेक्टर को बनाना, अगले जनरेशन में ले जाना। रिकॉम्बिनेशन जो होता है ये क्या करता है, नए फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होता है। म्यूटॉन जो होते हैं ऐसे साइट्स जहाँ पर म्यूटेशन उत्पन्न होते रहते हैं। म्यूटेशन भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब म्यूटेशन होगा तभी वेरिएशन आएगा, यानी कुछ नया वेरिएशन दिखेगा हमको। रिकॉम्बिनेंट्स भी क्या करते हैं, नए फिनोटाइप्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जीन रेगुलेशन, यानी कि आगे जीन कैसे रेगुलेट करता है किसी चीज़ को, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।